All right, ladies and gentlemen, this is ABP Live Podcast. I'm Abir Lahiri. Joining me today in conversation is Neeraj Thakur. He's the managing editor for Outlook Business. What's up? Welcome. How are you? Welcome back again. एक साल के बाद हमारी वार्तालाप वापस से शुरू होने वाली है. Right, Abir. Thank you very much for calling me. I'm doing fine. Just waiting for the result tomorrow. Before we move into the results, that is tomorrow, what I wanted to know is you've been covering the financial market, the economy, you write about it, you have your own opinions about it. मुझे ये जानना था कि इतने सालों से जो past के trends हैं उसको देखते हुए, how does the exit poll or any particular Lok Sabha election, any general election, impact the share market as well as the economy? See, how it impacts is, for example, always stock markets are always looking for some sort of stability. Agar market mein stability hai, toh stock markets do well. So if you just look at, I'll just give you some data, Outlook Business Research data. So in 2004, when nobody was expecting Mr. Atal Bihari Vajpayee to lose elections, and when he lost the elections, the market crashed by about 12% immediately within a month's time. However, it is also a fact when the new government came in, जब पॉलिसी पर भरोसा हो गया तो फिर मार्केट विद इन नेक्स्ट सिक्स मंथ वेंट अप बाय 10.4% एज वेल. सो नेट नेट वो सिर्फ 2% का अगर फायदा हुआ था, बट दैट वाज अ डीसेंट काइंड ऑफ लाइक रिकवरी. इन 2009 व्हेन देयर वाज पॉलिसी स्टेबिलिटी, सो द मार्केट विद इन अ मंथ वेंट अप बाय 22% एंड आफ्टर सिक्स मंथ्स इट वाज अप बाय 40%, व्हिच आई वुड से वाज वन ऑफ द बेस्ट टाइम पीरियड्स ऑफ इंडिया स्टॉक मार्केट्स. देन इन 2014 व्हेन Prime Minister Narendra Modi, he became the Prime Minister. When he became the Prime Minister for the first time, the 5.3% market up gayi thi within 1 month. 6 mahine mein 17% upar gayi thi. 2019 ke baad keval 0.2% gayi thi, because ek tarike se matlab tha ke pata tha ki wohi jeet a lot of times. हाँ, और market factor in कर लेते हैं कि वो जीतने वाले हैं. तो 6 महीने के बाद सिर्फ 3.1% ही ऊपर गई थी. Okay. अच्छा, इसका इन जनरल मार्केट ऊपर नीचे से जाता है, लेकिन व्हाट डज द मार्केट एक्चुअली सी? जब भी कोई बायर परचेज करता है या कोई सेलर सेल करता है, व्हाट डू दे एक्चुअली सी? डू दे सी कि 5 साल डाउन द लाइन एक गवर्नमेंट अगर फंक्शन करेगी, अगर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, वो उसके जो भी पॉलिसीज हैं उसको देख के इंसान खरीदता बेचता है, या फिर कोई ये देख के सोचता है कि क्या क्या नए पॉलिसी चेंजेस आ सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर सेक्टर बेनिफिट ज्यादा करता है, कोई सेक्टर कम बेनिफिट करता है? हाउ डू एक्चुअली द नंबर्स वर्क? देखिए अबिर, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करोगे, अभी फिलहाल इंडियन स्टॉक मार्केट में या तो रिटेल इन्वेस्टर है या फिर आपके जो एफएनओ ट्रेडर्स हैं वो हैं ज्यादा. ठीक है, एफआईआईज हैव बीन रनिंग आउट ऑफ इंडियन मार्केट बिकॉज उनको लगता है बिकॉज इंडियन मार्केट्स आर ओवरवैल्यूड. However, if you just look at mutual fund की वजह से जो DIIs हैं, plus because जो access बड़ा है अभी Zerodha app है, Grow app है, plus social media के influences हैं, उस वजह से इंडिया के छोटे छोटे टाउन से retail investors आए हैं. Whatever we understand of the stock market, we have done surveys, we have looked at data. Retail investors बहुत ज़्यादा long term सोचते नहीं हैं, वो आपका उनका है कि भैया कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना में जल्दी से जल्दी return बना और कमा करके निकल लो. That is why there is a lot of volatility in the market as well. Okay. Yes, it's a fact कि पिछले 3 से 4 सालों में अगर आप देखेंगे, मतलब खास करके पिछले 1 साल का अगर आप डेटा देखेंगे, तो स्मॉल कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहे हैं और बहुत ज्यादा रिटर्न भी दिया है. वो पूरा का पूरा आपका देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स के बेसिस पे दिया है. एट द सेम टाइम अगर आप बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देखेंगे, FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देखेंगे, वो हमेशा लॉन्ग टर्म देखते हैं बिकॉज उनका काम होता है पॉलिसी एनालिसिस करना. तो इसीलिए इफ यू जस्ट लिसन टू सम ऑफ द biggest FIIs, you know, जो institutional investors हैं, जो fund managers हैं, they are just not entering the Indian market because according to them, Indian market is overvalued and they do accept that they made a mistake in reading the stock market boom in India because Indian economy is doing well. It's a fact. A lot of people say that Indian economy is not doing well, but the data says this thing and people have been entering Indian market because if you just look at last year, financial year 23-24, the last year, the latest data है, May 31 का data है, उसमें बॉस 8.2% वी ग्रू. इट्स लाइक एन ऑइसिस इन दैट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी बिकॉज वर्ल्ड की सारी इकोनॉमीज अच्छा, कोई भी इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है. यूएस में हालत खराब है, आपके चाइना में हालत खराब है, सब जगह हालत खराब है. सो 8.2% ग्रोथ देना पोस्ट कोविड, जहां पर आपका वॉर चल रहा है, आपका इसराइल हमास वॉर चल रहा है, आपका वहां पे पुतिन और मतलब यूक्रेन वहां पे वॉर चल रहा है, ऐसे वाली सिचुएशन के अंदर डिस्पाइट फ्लक्चुएशन इन ऑयल प्राइसेस, इंडिया इज डूइंग रियली वेरी वेल. And that is what is reflecting. Now, अलग अलग लोगों का अलग अलग रीडिंग है. कुछ लोगों को लगता है कि मार्केट का करेक्शन होगा,
a lot of stock investors have actually paid the price because correction जितनी बार भी अगर आप देखेंगे पिछले तीन से चार सालों में जितनी बार भी correction हुआ है उस समय के लिए हुआ है, कोविड के बाद भी हुआ था, but every time whenever there is a recovery, वो recovery एक नया high touch करती है, तो Indian market ऊपर ही जा रहा है, and that is the view about the Indian market even now, that if there is policy stability, that the Indian markets will grow further from here. ठीक है, एक सवाल जो आई गेस बहुत सारे कॉमन जनता का भी सवाल होगा, मैं भी उसको पूछना चाहूंगा, इफ मोदी 3.0 कम्स एंड फॉर्म्स अ गवर्नमेंट, क्या मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करेगी, और सेकेंडली कौन से सेक्टर्स रहेंगे जो स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा जिसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है? देखिए आबिर, अगर जैसे आज भी देखेंगे पोस्ट एग्जिट पोल, स्टॉक मार्केट जंप बाय अबाउट 4%, राइट? अब ये काफी लोगों ने आज प्रॉफिट बुकिंग भी करा है, काफी लोगों ने नए एंट्रीज भी लिए हैं, मतलब वो तो इट्स अ जीरो सम गेम मार्केट, बट अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू एग्जिट टुडे बिकॉज दे इफ दे इफ यू बिलीव के मोदी स्टिल विल लूज द इलेक्शन यू वुड वांट टू एग्जिट दिस काइंड ऑफ अ मार्केट, बट मोस्ट पीपल डू बिलीव दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज कमिंग फॉर लाइक हिज थर्ड टर्म, रिकॉर्ड थर्ड टर्म, मोदी 3.0 व्हाट वी टॉक अबाउट. सो सेक्टर्स जो अच्छा करेंगे उसमें सबसे बड़ा सेक्टर अगर आप देखेंगे, सो ऑन रिकॉर्ड मोदी has said that invest in PSU stocks because he is a firm believer in the performance of PSUs. If you look at the BSE PSU index jo hai usne pichle ek saal mein boss 44% ka return diya hai. And the fact that Prime Minister Narendra Modi himself has said that bhav laga do is par laga do, to iska matlab aap soch sakte hain kahan jayenge because he has a very solid policy plan to push the performance of PSUs. Okay. उसके अलावा जो सेक्टर्स अच्छा करेंगे, बिकॉज इट्स अ फैक्ट हम सबने देखा है कि पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज बीन द फोकस ऑफ दिस गवर्नमेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पिछली सरकार का भी फोकस रहा था, बट जिस लेवल पर करंट गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट लेके गई है, बिकॉज दे बिलीव इफ इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उनका कहना है कि अमेरिका बिकेम अ डेवलप्ड इकोनॉमी and that's why they do not have roads, they have roads and that's why they are developed economy. So unka soch matlab waisa hai, to they are developing roads, they are developing highways, they are developing ports infrastructure, and they believe that abhi to sirf aur sirf investment ki wajah se return aa raha hai, but jab ye earn karne lagenge jitna bhi infrastructure create kiya gaya uske basis par jab return aayega, that will be like unthinkable, and that's why infrastructure sector becomes very important. उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स हैं, बिकॉज इंडिया के जीरो कार्बन एमिशन जो टारगेट्स हैं उसको मीट करने के लिए इंडिया का सारा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे है. ऑल द कोल कंपनीज एज वेल एज रिन्यूएबल कंपनीज, एवरीवन इज जस्ट ट्राइंग टू टर्न ग्रीन, तो रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. प्लस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो मेक इन इंडिया सेक्टर आते हैं, जैसे जिसके अंदर PLI स्कीम दिया गया है, उसके अंदर आपको स्टॉक्स देखने चाहिए कि उसका क्या कैसे रहेगा. स्पेसिफिकली अगर आप डिफेंस स्टॉक देखेंगे तो डिफेंस बहुत सारी कंपनीज है, बड़ी कंपनीज भी हैं, छोटी कंपनीज भी हैं. मोदी गवर्नमेंट का बहुत फोकस है कि हमको डिफेंस में ज्यादा से ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट होना है, खास करके जो छोटी मोटी चीजें हैं, जो हमारा असला बारूद होता है वो तो अपने देश का ही हो, उसे इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े. हाँ, हाई एंड चीजें हैं जैसे आपके टैंक्स हैं, आपके रॉकेट्स हैं और आपके जो फाइटर जेट्स हैं, वो मे बी बाहर से आएंगे, बट जो आपका बेसिक लेवल का जो असला होता है वो इंडिया में ही होना चाहिए. तो वो जो कंपनीज बना रही हैं उनके स्टॉक्स काफी ऊपर जा सकते हैं. टेक्नोलॉजी कंपनीज माइनस द आईटी कंपनीज, बिकॉज आईटी कंपनीज का जो ग्रोथ है दैट इज डिपेंडेंट ऑन ग्लोबल ग्रोथ, बट देयर आर सो मेनी इंडियन टेक कंपनीज, डीप टेक कंपनीज हैं जो अभी आने वाले टाइम पे लिस्ट होंगी, बिकॉज स्टार्टअप सेक्टर पर बहुत ज्यादा फोकस है. इफ यू जस्ट लुक एट इवन द कैंपेन्स ऑफ मोदीज कैंडिडेट्स, लाइक बीजेपी कैंडिडेट्स, दे आर जस्ट कैंपेनिंग अलॉन्ग विद द स्टार्टअप फाउंडर्स. तो इनका टेक्नोलॉजी पर, इंडिया बेस्ड टेक्नोलॉजी पर, टेक्नोलॉजी कंपनीज पर बहुत फोकस है. उनके स्टॉक्स ऊपर जाने की उम्मीद है. और जैसे कि मैंने कहा कि PSU इंडेक्स, वो तो जाहिर सी बात है सारी PSU कंपनीज पर जो पिछले एक साल में अच्छा कर रही हैं, इट इज लाइकली कि वो आने वाले टाइम पर भी अच्छा करें. ओके, व्हाट इफ द ऑपोजिट हैपेंस, व्हाट इफ द ऑपोजिशन टेक्स द सीट एंड यू सी अ वेरी न्यू गवर्नमेंट, विल दीज estimates or will these guesses will still be intact, या फिर एकदम चीजें चेंज होंगी? सी, एक बात तो माननी पड़ेगी आबिर, कि अगर कल सरकार गिर जाती है, मतलब against all the predictions that something that happened in 2004,
जब लग रहा था कि इंडिया शाइनिंग कैंपेन है, एज अ जर्नलिस्ट माय जॉब इज टू जस्ट बिलीव कुछ भी हो सकता है, आई एम नॉट वन ऑफ दोस जर्नलिस्ट हो पहले से एक साइड लेकर के बैठते हैं कि नहीं यही सरकार जीतनी चाहिए या जिताना है, कुछ भी हो सकता है. हाँ, माय प्रेडिक्शन इज दैट कि अचानक से पॉलिसी मतलब एक शॉक लगेगा स्टॉक मार्केट को, बिकॉज स्टॉक मार्केट बिलीव्स के जो नरेंद्र मोदी ने जो पॉलिसीज बनाई हैं वही आगे चलने वाली है. नई सरकार आएगी, शॉक तो बहुत जबरदस्त वाला लगेगा. वी डू नॉट नो कि मार्केट कहां पे जाके रुकेगी. आने वाले कुछ दिनों में लगातार गिरता रहेगा जब तक कि नई सरकार ना बन जाए और वो अपनी पॉलिसी क्लैरिटी ना दे दे. ओके, व्हाट दे आर गोइंग टू डू, बिकॉज वी हैव सीन इन द कैंपेन ऑफ द ऑपोजिशन दैट सर्टेन कंपनीज हैव फिगर्ड इन द स्पीचेस ऑफ पॉलिटिशियंस, उन कंपनी के स्टॉक्स को काफी हानि पहुंच सकती है. इनिशियली काफी लोगों का उसमें पैसा लगा हुआ है, वो हो सकता है उसमें FIIs का पैसा है, वो सब पे उस पर इंपैक्ट पड़ सकता है. बट एट द सेम टाइम इट इज माई बिलीफ एंड इट हिस्ट्री हैज शोन दैट मोर लेस एज लॉन्ग एज देर इज स्टेबिलिटी, वो कुछ टाइम का वो होता है जब तक. देखिए स्टॉक मार्केट में लोग इसलिए पैसा लगाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है एंड इंडिया इज अ बूमिंग इकोनॉमी. इंडिया की ग्रोथ कहीं नहीं जा रही है, प्लस माइनस आपका 2% का ऊपर नीचे हो सकता है. जैसे प्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट लाइक इन 2009 to 2012 देर वर एलिगेशंस के पॉलिसी पैरालिसिस है, स्टॉक मार्केट इसलिए क्रैश कर रही थी कि मतलब कोई एक गाइडेंस नहीं आ रहा था. वो एक बड़ा इनस्टेबिलिटी का पीरियड था बिकॉज अ लॉट ऑफ यू नो देर वर एलिगेशंस टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर, स्कैम का एलिगेशन था, कोल सेक्टर के ऊपर था. एज सच अभी स्कैम्स के एलिगेशन लगे हैं अभी करंट गवर्नमेंट के ऊपर, बट ऐसा कुछ स्टॉक मार्केट पर इंपैक्ट नहीं रहा है बिकॉज कोई ऐसी जजमेंट नहीं आई है. उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी टेलीकॉम कंपनीज के अगेंस्ट, कोल कंपनी के अगेंस्ट, और ओवरऑल इकोनॉमी पर बहुत इंपैक्ट पड़ा था. अगर वैसा अभी मोटा मोटा स्टॉक मार्केट जबरदस्त तरीके से क्रैश करेगी बिकॉज इट्स अ फैक्ट दैट इंडियन स्टॉक मार्केट्स आर ओवरवैल्यूड. ये सारे के सारे दुनिया के लोग बोलते हैं हमारा जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा चल रहा है, बट वो इसलिए ज्यादा चल रहा है बिकॉज पीपल बिलीव, इन्वेस्टर्स बिलीव कि इंडियन इकोनॉमी का ये सेंचुरी है बिकॉज ऑफ द जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स. बिकॉज यूएस को चाइना को कर्टेल करने के लिए इंडिया को प्रमोट करना है, चाइना प्लस वन पॉलिसी चल रहा है, वो सब चल रहा है. बट नाउ विद न्यू गवर्नमेंट इन पावर, बिकॉज यूएस के अंदर भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, वो किस टाइप की पॉलिसीज लेकर के आएंगे, तो फिर लोगों के दिमाग में वो फैक्टर भी प्ले करने लग जाएगा. अभी क्या है कि भैया मोदी हैज शोन दैट ही कैन मैनेज जियोपॉलिटिक्स वेरी वेल. उन्होंने रशिया और यूएस के बीच में मतलब सैंक्शंस को डील करते हुए उन्होंने ऑयल को भी खरीदा है, सब कुछ करा है. सो पीपल बिलीव इन वॉट एवर मोदी हैज डन सो फार, दैट्स वॉट इज हैपनिंग. बट एट द सेम टाइम द न्यू गवर्नमेंट फॉर्म्स डिपेंड करता है कितने नंबर्स लेकर के आएगी, स्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा, राहुल गांधी होंगे या शरद पवार होंगे या ममता बनर्जी होंगी या कोई भी हो सकता है, उनके फिर विचार उनके उन सब चीजों को लेकर के. ऑफकोर्स बिकॉज एक क्रिटिसिज्म रहा है ऑपोजिशन का कि वो काफी फिजिकली बहुत ही एक्सपेंसिव पॉलिसीज उन्होंने प्रपोज करे हैं. जो उनके मैनिफेस्टो में रहा है कि 25 जो उन्होंने किस्म के जो अलग अलग प्रोमिसेस किए हैं, अब उनका इंडिया के फिस्कल डेफिसिट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या उतना पैसा अरेंज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. बट इट इज ऑल्सो अ फैक्ट दैट इवन दिस गवर्नमेंट व्हेन दे केम टू लाइक पावर, काफी सारे ऐसे प्रोमिसेस इन्होंने भी किए थे जो उस वक्त मीट नहीं कर पाए थे, इमीडिएटली मीट नहीं कर पाए थे. देखिए प्रोमिसेस तो प्रोमिसेस होते हैं, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मीट करे जाते हैं. नो गवर्नमेंट एट नो पॉइंट इन टाइम डज समथिंग जो पूरे के पूरे इकोनॉमी को क्रैश करा देगी. स्टॉक मार्केट जरूर क्रैश होती है. इकोनॉमीज इंडिया में अगर आप देखेंगे 1947 में भारत आजाद हुआ तब से लेकर के आज तक कुछ कुछ मुकाम ऐसे आए हैं. 91-92 का एक ऐसा मुकाम आया था, बट वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इकोनॉमी क्रैश करी थी. हमारे पास जब 14 दिन का सोना बचा था फिर हमको अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ी थी. अदरवाइज एज सच कोई मोमेंट नहीं आया था कि हम पूरे तरीके से बर्बाद हो गए थे. सो एंड विच इज लाइक दिस इज हाउ द गवर्नमेंट्स फंक्शन. यू नो हमने 65 का वॉर भी लड़ा था तब भी हमारे देश में खाने के अनाज की कमी भी हो गई, तब भी इकोनॉमी चलती रही थी. ऑफकोर्स प्रॉब्लम आती है. सो इमीडिएटली तो आप मान के चलिए अगर मान लीजिए कल सरकार चेंज हो जाती है तो स्टॉक मार्केट में भयानक वाला क्रैश आएगा. नोबडी हैज द कैलिबर टू प्रिडिक्ट द काइंड ऑफ क्रैश दैट विल बी विटनेस्ड. बट एज समवन हु हैज सीन हिस्टोरिकल डेटा, आई बिलीव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक मार्केट रिकवर तो करी जाएंगी. हाँ अगर बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड होंगी तो मे बी कुछ समय लगेगा, बट जैसे कि कहा जाता है कि ये इंडिया की सेंचुरी है और जब तक के यूएस को और वेस्ट को इंडिया की जरूरत है हमें कुछ धंधा तो देना पड़ेगा बॉस. और वो धंधा हमारे साथ करेंगे तो इंडियन कंपनीज को फायदा होगा, इंडियन कंपनीज को फायदा होगा तो जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट ऊपर जाएंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया है एंड आई होप जितने लोग देख रहे हैं
दे कैन एक्चुअली फिगर आउट कि कैसे चीजें वर्क करती है क्या नहीं करती है. इफ मोदी 3.0 हैपेंस व्हाट ऑल सेक्टर्स वी शुड लुक फॉर. यू मेंशन पीएसयूज, यू मेंशन एनर्जी, यू सेड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जीज एंड डिफेंस. दीज आर वन ऑफ द सेक्टर, फ्यू ऑफ द सेक्टर्स जिस पे लोगों की नजर जानी चाहिए. एंड इफ द ऑपोजिशन कम्स इन टू प्लेस कैसे स्टॉक मार्केट उसको देख के रिएक्ट करेगा. बहुत बहुत शुक्रिया नीरज फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद मी. I really hope jitne log sun rahe honge unke dimag khule ho. That's it. That was the intention. Thank you very much for talking to us and enjoy. Thank you, Abhay. Thanks, yeah. Bye-bye.